ऐसा नहीं कह रहा वो सारी बंदी गलत है, बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोटो को वैल्यू रिमूव करना पड़ेगा। तो क्रोम को ओपन करना है आपको, ठीक है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है remove.bg, ठीक है। आपको इस वेबसाइट के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आपको लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस बटन पर क्लिक करना, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 3 लाइन पर क्लिक करना, आपको यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करके आप जिस फाइल में आपकी फ़ोटो है सबसे पहले आपको फ़ोटो यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको पोज फोटो ले लेना है आपको, ठीक है, इस टाइप की। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड सिंपल इस तरह से रिमूव कर लेना आपको फ़ोटो को। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सिंपल होम बटन पे क्लिक करके आप बैक कर लेना आपको, ठीक है। सिंपल कैन मास्टर को ओपन करना है, कैन मास्टर नहीं है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सिंपल कैन मास्टर को ओपन कर लेना आपको। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना आपको, यूट्यूब पर साइज पर 16x9 पर क्लिक कर लेना आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना आपको, मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे से एक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड लेने के बाद साइज को इससे बड़ा कर लेना आपको। साइज बड़ा करने के बाद लेयर पर क्लिक करना आपको, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया आप क्लिक करने के बाद जो भी मैं फ़ोटो इस्तेमाल करूँगा सभी एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको इस फ़ोटो का भी लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल इसे क्या करना, डाउनलोड कर लेना आपको। इसे क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लेना आपको साइज़ को बड़ा करने के बाद। इसके बाद क्या करना, लेयर पर क्लिक करना आपको, मीडिया पर क्लिक करना है आपको। मीडिया पर क्लिक करने के बाद सिंपल इस वीडियो को ऐड करना है, मैं दिखा, इसे क्या करना है, रोटेट करना है इस तरह से। रोटेट करने के बाद इसे जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद नीचे जाना है आपको, इस क्रॉप का ऑप्शन क्लिक करके इसे इतना क्रॉप करना है आपको, ध्यान से इतना आपको यहाँ तक क्रॉप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, ब्लेंडर का ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना आपको, ठीक है। इतना काम करने के बाद लेयर पर क्लिक करना आपको, मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वीडियो के लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसे क्या करना है, रोटेट करना है, इसे भी रोटेट करने के बाद सिंपली जूम इन करना है इस तरह से ऊपर, इस तरह से आपको लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम इसे भी यहाँ पे सेटअप कर देना है। सेटअप करने के बाद सिंपल नीचे जाना है, इसे भी स्क्रीन कर देना आपको, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको कलर मैनेज, थोड़ी सी लाइट मैनेज करना आपको, ठीक है। सिंपल इतना कर देना, इसे थोड़ा सा इसे कर देना, ठीक है। इतना काम करने के बाद इसे म्यूजिक को ऑफ कर देना आपको। लेयर पर क्लिक करना है आपको, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक वीडियो लेना है, गाने हैं, तो सिंपली इसे ऐड कर लेना आपको। इसे नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, इतना क्रॉप करने के बाद यहाँ पे ले जाना है, इतना ले जाना है, नीचे जाना आपको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है आपको, मीडिया पर क्लिक करना है, ऐसी फ़ोटो को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। अपना फ़ोटो को, जो भी फ़ोटो है आपका है, तो इस तरह से आपको पोज कर लेना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो ले लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटअप कर लेना है इस तरह से। सेटअप करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको, इसे डुप्लीकेट करना है इस तरह से। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल जो फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना है आपको,
इसे लाइट को बढ़ा के फुल कर देना है इतना, सिंपली इस ऑप्शन क्लिक करके इसे ट्रांजिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद लेयर पर क्लिक करना है आपको, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक वीडियो हमें और ऐड करना है, तो इसे क्या करना है फुल स्क्रीन कर देना है आपको। फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपली इसे आपको स्क्रीन करने के बाद लाइट पर जाना है, थोड़ा सा ऐसे इतना कर देना, ठीक है। इसे भी म्यूजिक को ऑफ कर देना आपको। इतना काम होने के बाद लेयर पे क्लिक करना आपको, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो में और ऐड करना है, इसे भी क्या करना है फुल स्क्रीन कर देना आपको। सिंपल नीचे जाना है, स्क्रीन कर देना आपको, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद सिंपल लाइट पर जाना है, इसे भी इतना कर देना, ठीक है, इतना कर देना है दोनों को इतना। इसके बाद डन कर देना, इसके बाद प्ले कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारी बंदी गलत है, बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है, कड़क है। इसके बाद लेयर पे क्लिक करना, वो मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपल इस इमेज के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जितनी भी वीडियो इमेज जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सभी की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सिंपल लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको इस इमेज का लिंक मिलेगा, तो सिंपल इसे रोटेट करना है इस तरह से। रोटेट करने के बाद इसे साइज को बड़ा करना है इस तरह से, ध्यान से आपको यहाँ से बड़ा करना है, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है। करने के बाद इसे साइज को बड़ा कर लेना आपको। हमारा वीडियो कंप्लीट रेडी होने के बाद इसके बाद प्ले करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारी बंदी गलत है, बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है, कड़क है। इसके बाद क्या करना है हमें, शेयर का ऑप्शन क्लिक करना है आपको, वीडियो को शेयर कर लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, ठीक है।